हेलो टेंथीज, तो आइए करते अपनी क्लास टेंथ की जर्नी शुरू, क्योंकि आ गया आपका मैथ्स का गुरु। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर वन रियल नंबर्स के साथ। स्टार्ट करेंगे हम एक्सरसाइज 1.1 न्यू बुक्स के अकॉर्डिंग एंड 1.2 ओल्ड बुक्स के अकॉर्डिंग। अच्छा, स्टार्ट करने से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, स्टूडेंट्स का एक छोटा सा कंफ्यूजन है, मार्केट में आपकी ओल्ड एनसीईआरटी भी अवेलेबल है और न्यू एनसीईआरटी भी अवेलेबल है, तो कौन सी परचेज करी जाए। स्टूडेंट्स, मेरी स्पेशल एडवाइस है आप लोगों को कि आप लोग ओल्ड एनसीईआरटी रेफर करें। क्यों? ओल्ड एनसीईआरटी के अंदर आपकी कई ऐसी एक्सरसाइज और कई क्वेश्चन है जो आपके सिलेबस में है, बट न्यू एनसीईआरटी में वो चीज मिसिंग है, तो इसलिए रेफर करिए ओल्ड एनसीईआरटी। नाउ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। बेसिकली प्राइम फैक्टराइजेशन, जिसको आप बचपन से एलसीएम एचसीएफ बोलते हुए आए हैं। आइए, तो जैसा फर्स्ट पार्ट करेंगे 140, कैसे करते हैं 140 डिविजिबल बाय 2 70 डिवाइड बाय 2 35 डिवाइड बाय 5 7। अच्छा, अब ध्यान से एक बात देखना, इसको हम कैसे लिखेंगे, 2 × 2 × 5 × 7 एंड देन आप लिख दीजिए इसे 2² × 5 × 7। मैंने दो बार क्यों लिखवाया, इसका रीजन आगे बताऊंगा। सेकंड हम करेंगे एलसीएम एचसीएफ। आप लोग को याद ही होगा एलसीएम और एचसीएफ क्या होता है, एक बार याद कर लेते छोटा सा। एलसीएम स्टैंड फॉर लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, एंड एचसीएफ स्टैंड्स फॉर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एलसीएम एचसीएफ का कॉन्सेप्ट सिखाने के लिए मैं अपना क्वेश्चन पिक करूंगा रेदर देन बुक का यूज करूं। तो आइए सबसे पहले हम करते हैं सैम स्पेशल नंबर वन, फाइंड HCF and LCM of 112, 224 and 252, यानी 112, 224 and 252 का। सबसे पहले क्या करेंगे हम, 112 के फैक्टर्स करेंगे, 112 के फैक्टर्स करते हैं, 256, 228, 214, 27, 7-1। ध्यान से देखना मैं कैसे लिख रहा हूं, 2 × 2 × 2 × 2 × 7, फिर मैं लिखूंगा इसे 2 to the power 4 × 7। अब 224 के फैक्टर्स करते हैं, 2 112 256 228 214 27 7-1। तो क्या हो गया ये मेरा 224 का, 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 7, यानी 2 to the power 5 × 7। अब 252 के फैक्टर्स, 2 163 3 21 3 7 then 7। तो क्या बने, 2 × 2 × 3 × 3 × 7, यानी 2² × 3² × 7। अब HCF के लिए हम वो नंबर्स पिक करेंगे जो सब में आ रहे हैं। HCF कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिए, वो नंबर जो सब में आ रहे हैं कौन सा है, देखो एक 2 आ रहा है सब में, 2, और देखो एक ये भी 2 आ रहा है, 2, और देखो एक 7 आ रहा है, 2 × 2 × 7,
यानी 28। एलसीएम कैसे करना है ध्यान से देखना बेटा, एलसीएम बेटा नोटिस करो यहाँ पे मेरे पास कौन कौन सी वैरायटी के नंबर्स हैं। जैसे मेरे पास टू है, जैसे टू है मेरे पास टू, और कौन सी वैरायटी है, वैरायटी कह रहा हूँ मैं, सेवन और थ्री, टू सेवन थ्री। तो क्या करना है ध्यान से सुनो, हर नंबर और उसकी सबसे बड़ी वाली पावर पिक करनी है। जिसका टू है मेरे पास, कॉमन नहीं जो आ रहा है, टू, टू की सबसे बड़ी पावर कौन सी है, फाइव, यानी टू टू द पावर फाइव। फिर कौन सा है, सेवन, सेवन में बड़ी वाली पावर वन ही है, देखो सबकी पावर वन है, सबसे बड़ी वन ही हुई। और कौन सा है, थ्री, थ्री की पावर कितनी है, टू। तो 32 इंटू सेवन इंटू नाइन, आई रिपीट वंस अगेन, हर नंबर और उसकी बड़ी वाली पावर, जिससे हमारे पास टू था वैरायटी में, तो टू और टू की सबसे बड़ी पावर यहाँ है, टू टू द पावर फाइव ले लिया। सेवन की बड़ी पावर वन ही है, थ्री की बड़ी पावर टू है, तो ये हो जाएगा मेरा 2016। एक छोटा सा क्वेश्चन देता हूं, वीडियो पॉज करके पहले उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिएगा। फाइंड HCF एंड LCM ऑफ 56, 126, 112। वीडियो को पॉज करो, पहले अटेम्प्ट करो, देखो आया नहीं आया, और मैं इसका सॉल्यूशन करा रहा हूं ताकि आप क्रॉस चेक कर सके। 56, 112 एंड 126, 56 के फैक्टर्स, 228, 214, 27, 71, 2 into 7, यानी 2 टू द पावर 3 into 7, 112, 2, 56, 2, 28, 2, 14, 2, 7, 71, 2 into 7, 2 की पावर 4 into 7, 126 के करते हैं, 263, 321, 37, 71, 2 into 3 into 3 into 7, यानी 2 into 3 का स्क्वायर into 7। HCF जो सब में कॉमन आए, एक तो 2 आ रहा है और एक 7 आ रहा है। अक्सर स्टूडेंट की मिस्टेक क्या होती है, कई बच्चे इस 2 को भी पिक कर लेते हैं, ये 2 में आ रहा है, सब में नहीं आ रहा। तो HCF हो गया मेरा 14। LCM हर नंबर और उसकी बड़ी वाली पावर, जिससे देखो वैरायटी कौन कौन सी मेरे पास, कौन कौन से नंबर्स यूज हुए, 2 यूज हुआ, 7 यूज हुआ, 3 यूज हुआ। तो 2, 2 की सबसे बड़ी पावर 4, 3, 3 की बड़ी पावर 2, 3 का स्क्वायर, और 7 की पावर 1, 16 into 9 into 7, 1008, ये आंसर आ गया। अब एक क्वेश्चन आप लोग खुद ब खुद अटेम्प्ट करें, क्वेश्चन 3 का फर्स्ट पार्ट, एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, यहां पर वीडियो को पॉज करके पहले अटेम्प्ट करें। हमारा क्वेश्चन है 12, 15 एंड 21, ट्वेल्व के फैक्टर्स 2 into 2 into 3, 15 के 3 into 5, यानी 2 का स्क्वायर into 3, और ये 3 into 5 as it is, एंड 21 के 3 into 7,
तो वो नंबर जो सब में कॉमन है, एक तो 3 है मेरा जो सब में कॉमन आ रहा है, सो HCF 3, LCM, LCM क्या हो जाएगा, जैसा एक 2 है मेरे पास, तो 2 की सबसे बड़ी पावर 2, तो 2 का स्क्वायर, फिर 5 एक ही है, इंटू 7, तो 4 इंटू 5 इंटू 7, कुछ और रह गया, 3 रह गया, दोबारा यहाँ से, 2 की सबसे बड़ी पावर 2, 3 था, 3 की बड़ी पावर 1 ही है, फिर 5 है, और एक 7 है, तो 4 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, 4, 3, 12, 12, 5, 60, 60 और 7, 420, ये आंसर है, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 2, इन दोनों का एचसीएफ निकालिए, और एक छोटा सा पॉइंट और, इससे क्वेश्चन है थर्ड का सेकंड पार्ट, यहां आपको प्रॉब्लम आने वाली है, क्यों और कैसे, पहले इसका मैं एक हिंट दे देता हूं, पूरा नहीं कराऊंगा। थर्ड का सेकंड पार्ट क्या है, 17, 23 और 29, अगर आप देखो तीनों ही क्या है मेरे प्राइम नंबर्स है, तो 17 को क्या लिखूंगा, 17 इंटू 1 लिख सकते हैं, 23 को 23 इंटू 1, 29 को 29 इंटू 1। आप बोलोगे सर इस क्वेश्चन में तो लिखा नहीं इंटू 1, यहां क्यों लिख रहे हो, बेटा बहुत सिंपल सा रीजन है, यहां पे इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि यहां कॉमन और कुछ भी नहीं है, तो HCF क्या हो जाएगा सीधा 1, और LCM खुद बखुद निकालिए। अब क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट अटेम्प्ट करो, LCM और HCF निकालो, फिर आगे का पॉइंट बताऊंगा इसमें। आई होप आपने ये निकाल लिया हो। अब हम बात करेंगे LCM और HCF की, एक छोटा सा नोट लिखवाना है अभी यहाँ पे, स्पेस छोड़ रहा हूँ मैं, ट्वेंटी सिक्स को मैं क्या लिखूंगा, 26 को हम लिखेंगे 2 इंटू 13, और 91 के फैक्टर्स 7 इंटू 13, HCF हो जाएगा मेरा 13, LCM 2 की बड़ी पावर 1, 13 की बड़ी पावर 1, 7 की बड़ी पावर 1, तो कितना आएगा, यह आ जाएगा 182। तो आई होप यहां तक तो आपका क्लियर होगा। अब मैं बात करता हूं नेक्स्ट पॉइंट की, क्या नोट लिखवाना है, नोट, अगर हम दो नंबर्स का HCF और LCM निकाल रहे हैं तो वो इक्वल होता है उन दोनों नंबर्स, सॉरी उन दोनों का प्रोडक्ट इक्वल होता है दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट के, मतलब HCF इंटू LCM इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, यानी मैंने अगर HCF और LCM निकाला है तो एक क्रॉस चेक करने का तरीका कि वो सही आया गलत आया, क्वेश्चन पे वापसी आऊंगा, क्वेश्चन एक बार पढ़ते हैं, फाइंड LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स, यहां तक तुमने कर लिया, आगे कुछ लिखा है, एंड वेरीफाई दैट LCM इनटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, क्या वेरीफाई करना है कि LCM इनटू HCF इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के, यानी मेरे को प्रूफ करना है, क्या बेसिकली प्रूफ करना है, LCM इंटू HCF इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। अच्छा, कई बुक्स इसे ए भी लिखती है, कई टीचर्स इसे ए भी लिखते हैं, जिससे मान लीजिए दो नंबर्स हैं ए और बी,
तो वो कहते हैं ए इंटू बी इक्वल होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ के। प्रूव करते हैं, आइए कैसे। सबसे पहले एलएचएस, ध्यान रखिएगा जब भी हम प्रूविंग करते हैं तो एलएचएस अलग लो आरएचएस अलग लो, उल्टा होगा कैमरे में, एलएचएस अलग लो आरएचएस अलग लो। एलएचएस क्या है, एलसीएम इंटू एचसीएफ, एलसीएम इज 182, एचसीएफ इज 13, मल्टीप्लाई करो ये आएगा 2366। आरएचएस, आरएचएस क्या है, दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, यानी 26 into 91, ये भी 2366 आएगा। और अगर ये दोनों इक्वल आ गए इसका मतलब हमारा एलसीएम एचसीएफ बिल्कुल ठीक है, इक्वल्स टू एलएचएस। ये था तो क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3, अब आप खुद बहुत कर सकते हैं, नोट इट डाउन प्लीज।